इंडिया को नेपाल के बॉर्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस नक्शे को जारी करके एक अनमेच्योर कदम उठाया है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल ने भारत की ओर से जारी नए मानचित्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। नए मैप में कालापानी को लेकर नेपाल ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नेपाल सरकार ने बुधवार को कहा है कि देश का सुदूर पश्चिमी इलाका कालापानी नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल सरकार ने कहा है कि कालापानी को भारत के नए नक्शे में दिखाने की जानकारी उन्हें मीडिया की तरफ से मिली। साथ ही साथ नेपाल के विदेश विभाग ने कहा है कि नेपाल स्पष्ट करना चाहता है कि कालापानी उसकी सीमा के अंतर्गत आता है। साथ ही मंत्रालय के बयान के मुताबिक विदेश सचिव स्तर की संयुक्त बैठक में भारत और नेपाल की सीमा संबंधी मुद्दों को संबंधित विषयों की मदद से दोनों देशों के विदेश सचिव को दी गई है। नेपाल ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने की जरूरत है और कोई भी एक तरफा कार्रवाई नेपाल सरकार को मंजूर नहीं है। भारत के नए नक्शों को लेकर नेपाल में कई जगह भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, जिसमें नेपाल के कई संगठन और कुछ छात्रों ने जमकर भारत का विरोध किया। नेपाल मंत्रालय ने कहा, नेपाल सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है और दोनों मित्र देशों को कूटनीतिक माध्यम से ऐतिहासिक दस्तावेज एवं सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बात को सुलझाना चाहिए। नेपाल सरकार के भूमि मापन विभाग के निदेशक कमल धिमरे ने कहा है कि भारत सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस मानचित्र को जारी किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेखांकित करने के लिए बड़े पैमाने पर सीमांकन होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत ने शनिवार को नए मानचित्र जारी किए हैं, जिसमें नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दिखाया गया है। मानचित्र में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख के क्षेत्र में दिखाया गया है। नए नक्शे को लेकर नेपाल में कई जगह विद्रोह हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं उस ओर कि कालापानी किसका क्षेत्र है। दोस्तों, नेपाल और भारत के काफी पुराने कल्चर, लिंग्विस्टिक, मेटल और रिलीजन से कनेक्शन है। आज तक नेपाल और भारत का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। कभी भी भारत और नेपाल के रिश्तों में इतनी ज़्यादा दरार नहीं आई, लेकिन दरार का मुद्दा बना है 2015 यानी कि मधेशी आंदोलन के बाद। उसके पहले की बात करें तो ये कालापानी रीजन किसको बिलोंग करता है? अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखते हैं तो 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर होती है, तो 1814 में नेपाली किंगडम और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर होती है, जिस वॉर में नेपाल को कुछ हद तक शिकस्त मिलती है और नेपाल को अपना एक तिहाई हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ता है, जिसके बाद से ही नेपाल अपने बॉर्डर रीजन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। दोस्तों, 1816 में सुगोली संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सुगोली संधि पर हस्ताक्षर नेपाली किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य करता है, जिसके तहत नेपाल को एक तिहाई हिस्सा तो ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ जाता है, जिसके बाद से नेपाल एक तिहाई छोटा हो जाता है। उसके बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर जाते हैं तो नेपाल और भारत को उसी सुगोली ट्रीटी के तहत ही अपने बॉर्डर को रखने को कहते हैं, जिसके बाद सब कुछ सामान्य रहता है। लेकिन 1962 में जैसे ही चीन और भारत की लड़ाई होती है, जिसमें भारत को शिकस्त मिलती है, उस शिकस्त के बाद भारत की इंडो टिबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट कालापानी रीजन में स्टैब्लिश कर दी जाती है, क्योंकि उस समय चीन भारत पर काफ़ी हावी हो चुका था और जिसको लेकर भारत को एक ऊंची जगह चाहिए थी। और जो कालापानी रीजन है वो एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, जिसकी वजह से इंडिया को एक एडवांटेज मिलती है कि वो ऊपर से चीन की हर गतिविधि पर नज़र रख सकती है। लेकिन अगर हम बात नक्शे की तरफ से करें, नक्शे से आपको मैं समझाता हूँ कि कौन सा हिस्सा भारत का था और किस हिस्से में इंडिया ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट को एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, ये है कालापानी का रीजन और यहाँ से बहती है काली रिवर। इस रिवर के वेस्टर्न साइड का पार्ट इंडिया में आता है और इसके ईस्टर्न साइड का पार्ट, ये पार्ट नेपाल का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपनी बॉर्डर चेक पोस्ट बना रखी है, जिसका विद्रोह नेपाल हमेशा से करता रहा है और इसी को लेकर अब विवाद चल रहा है। ये पार्ट इंडिया का है।
इसी के साथ साथ ये एक माउंटेनियस रीजन है, यानी कि जहाँ पर ये इंडिया की चेकपोस्ट है, ये पूरी एक माउंटेनियस रेंज है जहाँ से एक एलिवेशन मिलता है जिससे नीचे देखने में आसानी रहती है और किलोमीटर्स तक की एरिया को आसानी से देखा जा सकता है। इस बॉर्डर के अपोजिट में चाइनीज़ बॉर्डर है जिसे इस इंडिया की चेक पोस्ट से आसानी से देखा जा सकता है और इस पोस्ट से इंडिया को काफ़ी एडवांटेज है। अगर ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन को देखा जाए तो कालापानी नेपाल का ही हिस्सा है, लेकिन चीन को लेकर भारत कालापानी रीजन से अपनी चेक पोस्ट को हटाना नहीं चाहता। दोस्तों उससे पहले कालापानी एज एन डिस्प्यूटेड रीजन दिखाया जाता है। नेपाल भी कई बार अपने हिस्टोरिकल मैप दिखा चुका है कि कालापानी रीजन उसका हिस्सा है और भारत ने भी कई अपने हिस्टोरिकल मैप्स दिखाए हैं जिसमें कालापानी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन की, जो कालापानी रिवर है जो कि आपको बहती दिखती है, उसके वेस्टर्न साइड का पोर्शन इंडिया का है और उसके ईस्टर्न साइड का पोर्शन नेपाल का है। उस हिसाब से कालापानी रीजन नेपाल का ही हिस्सा है, लेकिन भारत सरकार को इस पर सहमति से नेपाल के साथ काम करना चाहिए क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी की बात है और मुझे लगता है नेपाल इसे समझेगा। भारत ने इस पर जॉइंट वर्किंग फोर्स भी बनाया था जिसमें हर साल दो बार एक मीटिंग होती है जिससे कैसे इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए उस पर विचार होते हैं, लेकिन वो कई साल से हो रही है और उसका कोई आधार अभी तक नहीं निकला है। नेपाल ने 1962 के बाद भी कहा है इंडिया को अपनी पोस्ट वेस्टर्न साइड पे, यानी कि उस रिवर के वेस्टर्न पोर्शन पे ले जानी चाहिए, लेकिन भारत को ये मंजूर नहीं क्योंकि चीन अगर कालापानी का उस हिस्से पर आ जाता है तो चीन को हर तरह से भारत पर बढ़त होगी जिसके लिए भारत तैयार नहीं है। अगर बात करें तो 62 के बाद से भी नेपाल इंडिया की दोस्ती में इतनी ताकत थी कि इस डिस्प्यूट को ज़्यादा हवा नहीं मिली, लेकिन 2015 में जैसे ही मोदी सरकार आती है और मधेशी आंदोलन जो कि नेपाल में 2015 के करीबन होता है, उसके बाद एक एंटी इंडिया इमेज नेपाल में क्रिएट होने लगती है जिसका फ़ायदा चीन काफ़ी अच्छे से उठाता है और वो नेपाल की पॉलिटिक्स में अपना इंटरफेयर करने लगता है, जिसके बाद चाइना खुद कालापानी रीजन को लेकर कई बार अपनी बयानबाजी में इस मुद्दे को उठाता रहा है। यानी कि चीन किसी तरह से भारत और नेपाल के बीच में एक दरार का मुद्दा बनाया है। हालांकि भारत की राजनीति को इस पर काफ़ी समझदारी से काम करना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार ने इस नक्शे को जारी करके एक अनमेच्योर कदम उठाया है, लेकिन भारत के विदेश विभाग से इसको लेकर अभी कोई बयान नहीं जारी किया गया है। दोस्तों नेपाल को अपने बॉर्डर्स को लेकर अब काफ़ी डर है और इंडिया को नेपाल के बॉर्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों अगर मेरी माने तो इंडिया को नेपाल के बॉर्डर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ कालापानी रीजन पर नेपाल और इंडिया को कुछ इस तरह बैठ के सुलह करनी चाहिए जिससे नेपाल के हितों को भी देखा जा सके और नेपाल साथ ही साथ भारत की सिक्योरिटी और भारत के हितों को भी देख सके। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि भारत अपनी चेक पोस्ट वहीं रखे और वो रीजन नेपाल का ही संचालित रीजन हो, जिसके तहत कुछ ऐसे हस्ताक्षर होने चाहिए जिससे भारत अपना पोस्ट भी वहां रख सके और उसमें नेपाल को भी कोई आपत्ति ना हो और साथ ही वो रीजन नेपाल को दे दिया जाए। दूसरा बात यह भी हो सकता है कि भारत उस जमीन को नेपाल से लीज पर ले ले, यानी कि 100 साल या फिर 200 साल के लिए, जिसके लिए भारत नेपाल को पे करे, या फिर कोई तीसरा ऐसा स्टेप भी हो सकता है जिसमें भारत कोई और जमीन का हिस्सा नेपाल को दे दे और उस रीजन को नेपाल से ले ले। इससे दोनों देशों की वो मित्रता है वो और बनी रहेगी और साथ ही साथ दोनों देशों में भरोसा कायम रहेगा। अगर भारत इस तरह के अनमेच्योर कदम और उठाता है और भारत की पॉलिटिक्स से ऐसी कोई बात नहीं की जाती है जिससे नेपाल के हितों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच दरार आना तय है। मैं चाहता हूं कि सभी नेपाल और इंडिया के लोग मिलकर एक कमेंट करें और एक सकारात्मक माहौल बनाए जिससे दोनों देशों की सरकार को ये संदेश जाए कि मित्रता से काम किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी क्या है राय इस पर। देखते रहिए NI News।